नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। तेघरा प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप कुमार पांडे के स्थानांतरण पर 11 जुलाई मंगलवार की संध्या एमएलसी प्रतिनिधि विनोद कुमार मिश्र उर्फ गोरेलाल बाबा के आवासीय प्रांगण में क्षेत्रीय बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि साहित्यकार एवं शिक्षाविदों द्वारा साहित्य और सांस्कृतिक माहौल में उन्हें सम्मानित कर विदाई दी। उपस्थित लोगों ने बीडीओ संदीप कुमार पांडे को एक विवेकशील कर्मठ दूरदर्शी एवं बड़ी चुनौतियों से बिना घबराए प्रखंड के विकास के पथ पर बढ़ाने वाला पदाधिकारी बताया। एमएलसी प्रतिनिधि विनोद कुमार मिश्र उर्फ गोरेलाल बाबा ने कहा कि इन्होंने विकास के जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वह काफ़ी सराहनीय और काबिले तारीफ है। इनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के प्रति प्रखंड के लोग इनके सदैव आभारी रहेंगे। प्रोफेसर राजकुमार सिंह ने इनके व्यवहार और कार्य कुशलता पर भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि इनके किए गए कार्य को तेघरा प्रखंडवासी सदैव याद रखेंगे। इस अवसर पर अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक सह शिक्षाविद ब्रह्मदेव पासवान ने कहा कि तेघरा के लोकप्रिय प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप कुमार पांडे हमेशा दबे कुचले लोगों के हित को ध्यान में रखकर कार्य किया है। साहित्यकार राम सुमिरन महाराज ने कहा कि ये बेहतर प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ ही एक साहित्यकार और रंगकर्मी के रूप में भी इनकी ख्याति रही है। अध्यक्षता अवकाश प्राप्त शिक्षक बालकृष्ण मिश्र ने की, जबकि संचालन प्रगतिशील कवि कौशल किशोर राय ने किया। एमएलसी प्रतिनिधि विनोद कुमार मिश्र उर्फ गोरेलाल बाबा एवं उनके पिता डॉक्टर बीके मिश्रा ने निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी को मिथिला का परंपरागत पाग अंग वस्त्र गुलदस्ता एवं अन्य उपहार के साथ माला पहनाकर भावभीनी विदाई दी। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप कुमार पांडे ने कहा कि तेघरा में आए 3 साल में मात्र 5 दिन बाकी है। उस समय प्रखंड में काफ़ी बड़ी चुनौती खड़ी थी, लेकिन यहाँ के लोगों का सहयोग और प्यार से के कारण उन्हें क्षेत्र में विकास के कार्यों को मूर्त रूप देने में काफ़ी सफलता मिली और हर समस्याओं का समाधान किया। आप लोगों के भरपूर सहयोग और स्नेह को हमेशा संजो कर रखेंगे। मौके पर मुखिया चंद्रभूषण सिंह, एटक नेता रविंद्र कुमार, वार्ड पार्षद अशोक मिश्रा, गुलाब मिश्र, पंचायत समिति सदस्य राजकुमार प्रगतिशील, किसान सुधीर कुमार राय एवं हरिराम सिंह, दैनिक हिंदुस्तान के पत्रकार अशोक कुमार, मीडिया दर्शन के पत्रकार अशोक कुमार ठाकुर के अलावे अन्य लोग शामिल हुए। तेघरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। और जाने के बाद भी इनको हम गार्जियन एक बड़े भाई का दर्जा दिए, हमारे प्रतिनिधि हैं। कभी भी हमको फोन किए हैं तो हम वीडियो सर से भी बात किए, चाहे कहीं भी रहते थे हमको कॉल जाता था तो हम वीडियो सर से बात करते थे और उनका भी काम किया करते थे। पिताजी के रूप में उनको भी इज्जत दिए हैं और अपना घर पर भी आए हैं और बढ़िया से इज्जत खातिर करते थे। अधिकारी किन्हीं मुनि देवता के घर उतर कर आ गए हैं आप हमारे हेतु पृथ्वी पर, आहा इस भाग्य पर हर्षित हो रहे इंद्र व शंकर, इंद्र व शंकर, इंद्र व शंकर। हमको याद है जब यहाँ कोविड के समय हम निकले थे मार्केट में, उस समय लॉकडाउन की स्थिति हो रही थी। हमको ना चेहरा याद है उनका, ना नाम याद है, लेकिन एक बुजुर्ग जो है तो दौड़ के आए हमारी गाड़ी के पास। एकदम एक दो दिन पहले ही हम ज्वाइन किए थे और वो भी हमको नहीं जान रहे होंगे, लेकिन हम माइकिंग करते हुए जा रहे थे और वो उनके घर में ही फूल थे शायद, लग नहीं, बहुत अच्छे लोगों के बीच में मैं आया हूँ और यहाँ जो है तो यथासंभव मुझे अपना बेहतर करना चाहिए। और जैसे सरकारी व्यवस्था में है कि स्थानांतरण और ये सब तो होते रहता है, लेकिन ये सब जो लोगों का एक भाव रहता है ये हमको कहीं ना कहीं आगे और भी अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। लगता है कि नहीं, अगर कुछ अच्छा ही किया होगा तो छोड़ के और हमारे लिए आए हैं, कहीं ना कहीं ये भी भाव आता है कि कुछ अच्छाई हुई होगी तभी लोग उपस्थित हैं और आगे भी और अच्छा करने की ऊर्जा मिलती है। सही में कई लोगों से इतना नहीं जो है तो समय मिल पाया, क्योंकि आपाधापी में तो उस समय नहीं हम बहुत लोगों को दे पाए और एक समय आया कि अब लोगों के साथ अब धीरे धीरे जुड़ाव होगा, क्योंकि एक साल दो साल तो कोविड की वजह से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग में ही रह गए। और पिछले साल से जन्माष्टमी का मेला हो या कि होली मिलन समारोह,
धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना और बढ़ा था, सार्वजनिक जीवन के अलावा भी व्यक्तिगत रूप में। लेकिन इसी बीच में चूँकि जो परंपरा है जो साल में स्थानांतरण हो जाना है, तो इसके फलस्वरूप आप लोगों से शरीर से तो विदा हो रहे हैं, लेकिन अपने दिल से और मन से कभी आप लोगों से विदा नहीं होंगे, ये आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं। और सेगड़ा से तो सार्वजनिक जीवन की यादें तो हमेशा रहती हैं कई लोगों का। व्यक्तिगत रूप में भी मैं इतना कुछ पाया हूँ, मेरी बेटी यहीं पैदा हुई, इसके जो कुछ ट्रेडिशन थे सब लोग, इतने लोगों को मैं बुला सकता था, या था संभव, लोग हमेशा आते थे और उसे भी आशीर्वाद दिए। और इतनी बड़ी जो है तो व्यक्तिगत रूप में मेरे को, और 3 साल होने में अब लगभग 25 दिन ही बचे हैं। मैंने आप 5 अगस्त को यहाँ ज्वाइन किया था, 3 अगस्त को मैं आया था 2020 में, और 2 दिन बाद मैंने यहाँ 4 दिन। बहुत सी यादें हैं और उन यादों को संजो के मैं जीवन पर्यंत आप लोगों का ऋणी रहूँगा, आप लोगों को याद करता रहूँगा। और कभी भी अगर मौका लगे अगर कहीं आने का मेरे कार्य क्षेत्र में, बक्सर में रहूँगा कि और भी आगे कहीं, अगर एक बार आप लोग भी निश्चित रूप से याद करिएगा, पिछली जगह जहाँ कहीं था वहाँ के लोग कभी कभी आते हैं कि नहीं मेरे लायक कुछ काम है, तो उसके लिए भी आप लोग अगर हमें याद करेंगे तो हमें खुशी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ रवि बाबा को उसे बहुत धन्यवाद देंगे कि इतने लोगों के बीच हमको उपस्थित होकर इतने लोगों का आशीर्वाद लेने का मौका आपको दिए, और आगे